ANU News, सच को जो लाए सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यायी कुजाला न्यूज। आपको बता दें कि दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को विश्व मानसिक दिवस के अवसर पर मानसिक चिकित्सालय बरेली में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मानसिक चिकित्सालय बरेली की निदेशक महोदया डॉक्टर साधना अग्रवाल, डॉक्टर सालिक राम वर्मा, परामर्शदाता डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर आलोक शुक्ला, डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा, डॉक्टर श्री कृष्ण यादव एवं उमेश शिवानी, आलोक दीपक और सलीम अहमद उपस्थित रहे। मानसिक चिकित्सालय बरेली में संचालित टेली मानस सेल में कार्यरत समस्त स्टाफ वर्ष 2024 हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित थीम कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता समय है, इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्कप्लेस पर अपनी प्रस्तुति दी गई। मनोरोग विशेषज्ञों द्वारा आम जन मानस रोगियों एवं उनके परिजनों मानसिक बीमारियों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। ऐसी ही सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है, इसलिए मन को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। आज भी मेंटल हेल्थ डे की हमारी थीम है, वो है इट इज टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्कप्लेस। वो क्या रहा है कि वर्क प्लेस पे किसी भी व्यक्ति को काम उसकी क्षमता से ज्यादा दे दिया जाएगा। जब क्षमता से ज्यादा काम दे दिया जाएगा तो उसकी वजह से स्ट्रेस होगा। मानसिक बीमारी के बारे में जानकारी दी, जितने भी भाई बंधु जितने मरीजों की सब बैठे हैं वो उतने लोग यहाँ पे चले आए। जब उनको किसी ने बताया तो ये बात घर घर तक पहुंचे। आप बताते हो जाके कि हाँ आप बरेली अस्पताल जाना, वहाँ पर बहुत अच्छा इलाज है और सच में बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। आप भी यहाँ आते हो, देख रहे हो, और 100 से 80 रुपये लोग काफ़ी हद तक ठीक रहते हो। तो ये दिन सिर्फ इसीलिए मनाया जा रहा है कि ये बात घर घर तक पहुँचे। सरकार ने सोचा, डॉक्टर्स को बता दिया, स्टाफ को बता दिया, लेकिन फिर भी नहीं पहुँचे। इसीलिए सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास हैं। एक टेली मानस फोन से आप यहाँ से नंबर लिखा हुआ है, कोई भी उनसे कभी भी आपके आसपास क्योंकि हो जो किसी तरह से अस्पताल में नहीं पहुँच पा रहा, बहुत सारी समस्याएं क्योंकि फोन से भी दूर जाते हर तरह की कुछ दवाइयाँ आपके आसपास के अस्पतालों में पहुँचाई जाती है। ज़्यादा दवाइयाँ क्रिटिकल वो आपको यहाँ मिली। तो इस दिन का सिर्फ यही मैं हुआ कि आपको इसीलिए बुलाया गया। आप अगर नहीं समझे तो हमारी बात यहाँ बेकार है। और ये बता रहा हूँ, आप यहाँ से दवाई ले जा रहे हैं, साथ में जानकारी ले जा रहे हैं कि हाँ ये एक मेंटल हॉस्पिटल है, मानसिक बीमारी क्या है, तो उसका इलाज क्या होगा, ये आप 20 को बताएंगे। और आप खुद जानते होंगे कि आपके घर में अगर एक मानसिक मरीज है, इसकी वजह से घर में कितनी दिक्कत हो रही, आपको हर 15 दिन पर आना पड़ रहा, आपका फाइनेंशियल पैसा खर्च हो रहा, समय खर्च हो रहा, उस बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, उसकी वजह से घर पर लोड आ रहा है। सरकार ये चाहती है कि आप भी कुछ रहे, मरीज भी कुछ रहे, और सबसे बढ़िया कि जितने मरीज हो रहे हैं उससे पहले ही पता चल रहा है। अगर मरीज का पहले पता चल गया तो उसका इलाज ज़्यादा अच्छा होगा, उसको फायदा ज़्यादा होगा। ये आप सब लोग चाहते हैं कि आप बीच में दवाई छोड़ दें या बस ये कहना है यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य का, अपने घर वालों का और किसी तरह की कोई समस्या हो अस्पताल में जाए। जरूरी नहीं है कि आप मानसिक अस्पताल पहुँचे, आप अपने पड़ोस के अस्पताल में आइए, उनको लगेगा कि आपको मानसिक बीमारी का नहीं बताएंगे। इस दिन का मकसद यही है कि आपको जागरूक कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं।